यार इसके प्राइस नहीं लिखे हुए थे, क्या प्राइस है? 245 245 यार, ये वो 200 वाले भी थे। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक की रहमत और फजल करम के साथ मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज मैं आपको ड्रीम मार्ट के अंदर लेके जाऊँगा, तो क्योंकि वो अक्सर जाने नहीं देते, लेकिन मैं इंशाल्लाह आज आपको वहाँ पर लेके जाऊँगा ड्रीम मार्ट के अंदर किसी और तरीके से, और वो भी आपको साथ साथ बहरिया का नज़ारा दिखाते हुए। अभी मेरी शायद आवाज़ कम आ रही हो क्योंकि मैंने मुंह पर मास्क लगाया हुआ है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं बहरिया का नज़ारा किस तरीके का है और ड्रीम मार्ट का भी। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक का नाम लेके शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं, साथ साथ में आपको व्यू भी दिखा रहा हूँ। ये अभी यहाँ पर सफाई हो रही है और लिफ्ट क्यों बुलाते हैं, तब तक यहाँ का नज़ारा देखें कैसा है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है, बच्चे खेल रहे हैं लिफ्ट में, तो लिफ्ट कह रहा हूँ गार्डन में। सर्दी की वजह से काफ़ी ठंड लग गई है, लिफ्ट आ गई है मेरे ख्याल से। अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। अच्छा व्यूअर्स, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं आपके लिए लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट लेके आता रहूँ। और जिसे बोलते हैं कि मेरे चैनल में तरह तरह की व्लॉगिंग होती हैं, ये मैंने सबको पहले बताया था, तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए सफ़र जारी रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है जी? अल्लाह अकबर अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, असल में मैंने भी लगाया हुआ मास्क और मुझे पता नहीं मेरी आवाज़ सही आ रही है कि नहीं आ रही, उम्मीद करता हूँ अच्छी आ रही होगी। और ये अभी इस वक्त यहाँ पर जिसे आप कह सकते हैं, हालांकि ये धूप बहुत अच्छी होती है सबके लिए, लेकिन सर्दी इतनी है कि निकलने का नाम ही नहीं हो रहा। कहीं पर निकलो तो ठंड लग जाती है, कभी कुछ लग जाता है, अभी मुझे भी ठंड लगी हुई थी काफ़ी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है रिकवर हो जाते हैं। और ऐसे कोरोना टाइम में तो बंदा जा भी नहीं सकता हॉस्पिटल, ठंड लगी होती है वो डॉक्टर बोलते हैं भाई इसको तो अल्लाह रहम करे कोविड है या ये है वो है, तो उस वजह से बंदा डर जाता है। ये मैं वीडियो इसमें कट नहीं कर रहा, साथ साथ आपके साथ बात भी कर रहा हूँ और आपको दिखाता भी जा रहा हूँ। ये आप इधर देख सकते हैं, ये माशाल्लाह सारे व्यू है पूरा यहाँ पर। मौसम अल्लाह का शुक्र है अभी इस लाइक है कि हम यहाँ पर जिसे बोलते हैं कि थोड़े चल फिर सकते हैं, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और बिल्कुल नहीं चला जाता, तो उस वजह से बहुत ख़तरनाक हो जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह का जिक्र किया कि नहीं जितना हो सके, अल्लाह मियाँ बहुत खुश होते हैं। अस्तग़फ़ार का जिक्र किया करें जितना हो सके, अस्तग़फ़ार की बरकत से काफ़ी सारी चीज़ें जिसे बोलते हैं कि सबसे बड़ी बात अल्लाह पाक राज़ी हो जाते हैं, और जब अल्लाह पाक राज़ी हो जाते हैं तो बस पीछे क्या चाहिए, रब राज़ी तो सब राज़ी। अल्लाह पाक राज़ी हो गए तो बस हमारा जिसे बोलते हैं काम हो गया। ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, यहाँ पर अभी मुझे जाना है ड्रीम मार्ट, तो आपको साथ साथ दिखाता भी जा रहा हूँ। ये देख सकते हैं व्यू बहरिया टाउन कराची का, इतना रश नहीं है, रश कम ही है यहाँ पर। ये मस्जिद है माशाल्लाह, ये सामने वाली जो आप देख रहे हैं, ये माशाल्लाह अभी भी बन रही है, अल्लाह करे रमज़ान तक बन जाए तो फिर उसमें ये है कि इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अफ्तारी यहाँ करेंगे, साथ में वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे।
बातें इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आप लोग बोर ना हो, मैं वीडियो काट नहीं रहा, ताकि आपको साथ साथ इसका व्यू एंगल भी दिखाता रहूँ। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं यार तुम मतलब वीडियो काटते नहीं हो, करते नहीं हो। देखिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग के साथ कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन भी साथ में शेयर करूँ। मतलब अगर आवाज़ सही आ रही हो, हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पर और दूसरी आवाज़ें भी बहुत सारी हैं, तो इंशाल्लाह आवाज़ सही आ रही होगी। अभी जो छोटी सी पहाड़ी है इसको ज़रा क्रॉस कर लें, आपको छोटी लग रही होगी लेकिन मुझे काफ़ी डेंजरस लगती है। ज़रा सा स्लिप हो जाए बंदा तो गया। ये यहाँ से निकले और शुक्र है क्लियर हो गई है। चलिए अभी देखते हैं। काफ़ी सारे लोग देखते होते हैं कि यार ये मूवी बनाते हुए जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया, अकेले बातें कर रहा है। ये ड्रीम मार्ट आप देख सकते हैं आगे, ये क्रॉस नहीं मैं कर सकता, लाजमी गिर जाऊंगा। यहाँ पर इनको चाहिए कि कुछ बना लें, लेकिन अब ये क्रॉस करने के लिए मुझे वहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी राइट साइड की टांग में आगे थोड़ा सा मसला है। अच्छा व्यूअर्स, इसके बाद जो है जो मेरी वीडियो आएगी ना इंशाल्लाह, वो मैं आपको इम्तियाज़ स्टोर के बिल्कुल करीब जाके दिखाऊंगा कि आप रेट चल रही है। शोर बहुत हो रहा है यहाँ पर, इसकी आवाज़ भी आ रही होगी। ये पौधों को पानी देना ज़रा ज़रूरी है। हाँ यहाँ से भी हम चलेंगे, ये है ड्रीम मार्ट और एक छोटा सा व्लॉग समझे आप, लाइफ थोड़ी सी शेयर हो रही है आपके साथ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, सही क्या हाल है, खैरियत से सब ठीक है? हाँ आप सुनो भाई। बस सही है, खैरियत है ना? ये आप देख सकते हैं अंदर आ गए हैं फिर, और सामान कुछ लेना था मुझे अपना पर्सनल भी, तो सामान भी ले लेते हैं साथ साथ। और यहाँ पर ये चीज़ें हैं भी आप देख लें। इधर भी इतना रश नहीं यार। बड़ी वाली बाल्टी होती है आपके पास पानी की? बड़ी बाल्टी, बड़ी वाली जो वॉशरूम में रखते हैं जी, आ जाएगी ना? ये जिस तरह की ये है ना, ये जो डब्बा पड़ा हुआ है इसमें मतलब बता रहा हूँ, इस तरह की बड़ी होती है, बहुत बड़ी, वो जिसमें तकरीबन आप समझ लो 19-20 गैलन पानी, गैलन नहीं हाँ गैलन पानी आ जाता है। जिस तरह ये बड़ी है बोतल पानी की, उससे डबल होती है, समझ गए ना? सही बेचाना, वैसे ही आ जाएगी। चलो आप बोल दो उसको, देख लो। अच्छा यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग हैं, तो इधर जो है दही, दही लेना था ये ले लिया। और
अस्सलाम वालेकुम यार सही, 6 केले और 2 धनिया ज़रा दे देना अच्छा वाला, ठीक है मैं आ रहा हूँ सामान लेके। 6 केले और 2 धनिया दे देना और 50 की नींबू डाल देना, सही है ज़रा यार नींबू सही डालना ख़राब ना। वहाँ मैं इसलिए नहीं ज़्यादा रुका कि लेडीज खड़ी हैं तो ऐसे कि बुरा ना मनाए कि जिसे बोलते हैं कि वीडियो बन रही है और बहरहाल इतना बड़ा इशू तो नहीं है कोई, उनकी तो स्पेशल नहीं बनाई लेकिन फिर भी एक तमीज़ के बारे में सही है यार। वो उसमें लेमन में नहीं आई ग्रीन टी लिप्टन की? हाँ नहीं नहीं लेमन में ग्री इसकी लिप्टन की, वो तो टपाल की है ना, ले इसमें लिप्टन में नहीं है कुछ आइडिया कब तक है? देख लिया यार उस दिन भी चेक करके क्या था नहीं है मेरे भाई, ये ग्रीन टी थोड़ी है यार, ये ये दूसरे फ्लेवर है ना, वो लेमन होता है ना वो नहीं है। चलो ठीक है सही, मसला नहीं, ठीक है परसों आएगा तो परसों ले लेंगे, कोई ऐसा बड़ा सही है सही, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं। अच्छा ये साथ में देख सकते हैं ये है ब्रदर यार, माचिस कहाँ होगी? माचिस माचिस चाहिए थी, माचिस ढूंढ रहा हूँ लग रही मिल गया ब्रदर, माचिस है माचिस यार, एक दे देना यार, एक दे देना, एक पैकेट, एक किली काफ़ी आग लगाने के लिए, हम तो फिर भी पैकेट लेके जाने आग जल जाएगी, वही ना आग है तो और क्या मसला हो जाएगा, और कितना हो गया भाई? 130 रुपये, 50 सामान लिया आपसे यार, किलो गाजर किलो 60 आधे किलो खीरा 30 रुपये और मूली नहीं मूली है नहीं ये कोई यूज तो नहीं कर रहा ये आपकी है? आपकी है? आ जाए अच्छा जी, ये अब यहाँ से और क्या लेने हैं वो देखते हैं, पैसे भी पीछे काफ़ी कम है, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्लाह का हर हाल में करना। अच्छा जी तो अब क्या रह गया यहाँ से, अभी घर वालों ने जो बोला था वो तकरीबन मैं भूल ही जाता हूँ, कॉल करके पूछना पड़ेगा क्या बोला था। हो गया
भाई यार, इसके प्राइस नहीं लिखे हुए थे, क्या प्राइस है? 245। यार ये वो 100-200 वाले भी थे। हाँ 228 वाले भी हैं। चलो ये दे दो, ये पता नहीं कैसे है। कितना हो गया टोटल? 367। सामान ले लिए, अभी वीडियो काटी नहीं है, सिर्फ चलते ही जा रहे हैं, देखें अभी क्या होता है। सामान ले लिए और पैसे नहीं गिने मैंने, टोटल कितने बने सर, कितने हो गए हैं, कितने रहते हैं। मिट्टी भी यहाँ से कहीं से अरेंज करनी है, मिट्टी कहाँ से लें वो तो मैं ले ही लूँगा। पहले मैं ये देख लूँ ये जो 245 इसके हुए हैं ये इसने सही काटा। एक तो मेरा थोड़ा सा हाँ पड़ेगा, लगाना पड़ेगा सामान एक मिनट के लिए, और इधर काउंटिंग कर लें। 235 सही है। मिशन रह गया है वो है यहाँ से घर जाना, जो कि आप देख ही रहे हैं। और आप लोग ये मस्जिद माशाल्लाह बहुत जल्द बनने वाली है, यहाँ पर बनेगी तो बहुत ही मज़ा आएगा माशाल्लाह नमाज पढ़ने का। अभी यहाँ किसी को बोल के जो है ना, मुझे थोड़ी सी चाहिए मिट्टी। असल में वालदा है मेरी, तो कभी कभार जो बोलते हैं उनका पानी में हाथ नहीं जाता तो उनको तयम्मम करना पड़ता है, तो वो मिट्टी से ही तयम्मम करती हैं। यहाँ से क्योंकि किसी से साई है दोस्त से मिट्टी ले लूँगा। यार दोस्त ले लिए, अल्लाह का शुक्र है। और अभी घर की तरफ चल रहे हैं, सर्दी बहुत है लेकिन धूप की वजह से इतना पता नहीं चलता। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। यार बात सुनना, इसको जरा पकड़ना एक मिनट, इसको जरा आप पकड़ेंगे एक मिनट, बस पकड़ लेना है यार। एक्चुअली वो थोड़ा मैं सेट कर रहा था। थैंक यू। कैमरा? हाँ ये कैमरा है। क्यों, कैसे, ये आपने लगाया किस लिए?
ये रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा रिकॉर्डिंग करते हैं। सही है ना, सही 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 जगह लाया ना। तो यार क्या करें, अभी देखो ना अभी हाथ फूल है मेरे, तो मैं फिर यहीं पर ही लगाऊंगा। हाँ वैसे ये ऑप्शन भी अच्छा है यहाँ लगाने का। बच्चे परेशान हो जाते हैं एकदम से, ये रिकॉर्डिंग हो रही है वो भी कैसे। ये ड्रीम मार्ट वालों ने इसलिए अंदर जाने दिया, ज़रा कैमरा मैंने सीक्रेट प्लेस पे लगाया है। इनको भी पता था लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। उसकी वजह ये है कि एक्चुअली ब्लैक जैकेट पहनी हुई है ना, तो ब्लैक कलर का कैमरा है, इस वजह से ये इतना जज नहीं कर पाए, जान नहीं पाए। ये चीज़ है। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह पूरा। मैं आपको इसलिए साथ साथ दिखा रहा हूँ कि एक तरीके से आप जिसे बोलते हैं कि इसको देख लें और आपको पता चल जाए। अभी आगे भी इंशाल्लाह और भी शूट करूँगा मैं। काफ़ी सारे बोलते हैं यार ये जो फ्लैट्स हैं बैरियर टाउन के, यहाँ पर जो हैं इनमें वो जिसे बोलते हैं सिक्योरिटी बहुत सख्त है। अल्लाह अकबर। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, बातें मिक्स हो रही हैं, ऊपर चढ़ते हुए अल्लाह अकबर पढ़ा करें। अल्लाह का जिक्र से तो आपकी ज़ुबान तर होनी चाहिए, जितना अल्लाह पाक का जिक्र करेंगे उतना ही अच्छा। अल्लाह के जिक्र देखिए, एक मैं आप लोगों से बात शेयर करता हूँ, वो अच्छी बात है, चल रहे हैं, टाइम मिला है, आप लोग तक ये बात भी पहुँच जाएगी कि जितना अल्लाह पाक का जिक्र करें उतना अच्छा है, जितना हो सके उतना अच्छा है। अल्लाह पाक के जिक्र में बहुत बरकत है, रहमत है और सलामती है। ठीक है, ये जिक्र से आपकी ज़ुबान तर रहनी चाहिए अल्लाह पाक के जिक्र से। जितना जिक्र करेंगे अल्लाह पाक का उतनी बरकत रहमत और सलामती होगी। देखिए हम लोग रिस्क के पीछे भागते हैं, तो जिसने रिस्क देना है उसी का जिक्र नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। और जिसके रिस्क के पीछे भाग रहे हैं, रिस्क आपको आप जितना भी कर लें मिलना अल्लाह के हुक्म से ही है, और जितना लिखा हुआ उतना ही मिलना है। अभी हमारा अकीदा है कि हमने किस तरीके से उसको हासिल करना है, आया हराम तरीके से उसको हासिल करना है या हलाल तरीके से हासिल करना है। ये भी इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। अल्लाह करे मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही हो आप लोगों तक, जो मैं इतना बोल रहा हूँ ये ज़ाया ना जाए मेरा बोलना। आप तक अगर मेरी आवाज़ पहुँच जाएगी तो मैं समझ लूँगा कि अल्लाह का शुक्र है मेरा मिशन जो है वो सक्सेस हो गया आप लोग की तरफ। अभी वैसे भी माशाल्लाह जोहर की अज़ान होने वाली, हवा बहुत तेज़ चल रही है, वो तो शुक्र है अभी थोड़ा धूप है तो इसकी वजह से हवा का इतना एहसास नहीं होता। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मेरे साथ लगे रहें इंशाल्लाह। काफ़ी सारी अभी एक्सप्लोरिंग करनी है और अभी इंशाल्लाह रिकवर करेंगे पूरा जितना में से हो सकता है। ये पार्किंग आप देख रहे हैं ये पहले फुल थी, अभी जिसे बोलते हैं कि खाली हो रही है, ऐसा ऐसा लोग जा रहे हैं काम हो गए, ये चीज़ है। अच्छा हाँ, तो फ्लैट की बात चल रही थी, मैं भूल गया था कि फ्लैट की लोग बोलते हैं सिक्योरिटी बहुत टाइट है। देखिए सिक्योरिटी तो टाइट होगी, वजह उसकी ये है कि सिक्योरिटी इसलिए टाइट होगी, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर अलाउ नहीं करते किसी को भी नॉर्मल तरीके से आना, इस वजह से। और कई केसेस भी हो चुके हैं यहाँ पर, तो जिसकी बुनियाद पर इसको अलाउ नहीं करते। तो चलिए
अब मैं इस कैमरे को ज़रा बंद कर दूँ और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।